गुड मॉर्निंग हाइनेस। गुड मॉर्निंग। ये तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? आई वेंट जॉगिंग। तुम भी जॉगिंग? यू नो, एक्सरसाइज अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। क्या हुआ? नो, डोंट वरी हाइनेस, खुशी की खबर है। खुशी की खबर? यस हाइनेस, कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? मेहमान। मेहमान? हाइनेस, इतनी भी खुशी की खबर नहीं है। ये मेहमान नहीं तूफान है, बल्कि एक पला पलाया इंसान है। कौन सा तूफान मोंटोर? हाँ, याद आया, बड़ी आपा ने आना था। बड़ी आपा? कौन बड़ी आपा? मेरी बड़ी बहन, उन्होंने कुछ रोज पहले आने का कहा था। तो फिर उठिए, जल्दी से तैयारी कीजिए, शायद वो आने वाली है। उठिए 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 उठिए। मैं हकीम साहब को बता कर आती हूँ। कबीला, मेरी बात को आखिरी दफा गौर से सुन लो। मेरे साथ सुबह सुबह झगड़ा मत किया करो। क्यों ना करूं? मेरे बहन भाई कौन से रोज रोज आते हैं? रोज रोज तो नहीं आते, मगर जब आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। अरे अपनी वो बहन जो है बिलडोजर नुमा, और उसकी बेटी मूचुई टिड खुई। हाँ तो क्यों ना, खाते पीते घराने के लोग हैं। हाँ, हम तो जैसे खाते पीते ही नहीं है। नहीं, बहुत खाते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा खाते हैं, मगर घर से नहीं, लोगों के घरों से। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मेरे बहन भाई यहाँ ना आए? हाँ? चलो तो ठीक है, आज के बाद यहाँ ना कोई आएगा ना जाएगा, ना मेरा ना आपका। चलो ठीक है। ओ, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? कोई भी नहीं, हम लड़ नहीं रहे। और तेरा मैसेज आया अन्ना। हाँ, देख लेता हूँ मैसेज। अन्ना अन्ना, मैं नहीं देखता। जेनी, आप देखो मैसेज। इसका मैसेज है, मैसेज आया अन्या। वो का मैसेज है? हैं? हमारी तरफ आ रही है। कब? बस पहुंचने वाली है। जमीला। क्या है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेहमान जो होते हैं ना, वो तो अल्लाह की रहमत होते हैं। क्या? हाँ, और जो भी मेहमान जाता है ना किसी घर या आता है, तो अपना रिस्क लेकर जाता है और लेकर आता है। किसका मैसेज था? बिल्किस का। अच्छा, बिल्किस बिल्डोजर। वो लोग आ रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? वो देखो 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 जमीला, अल्लाह का वास्ता, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो आए तो उनकी खिदमत करते ना, बस तेरी मेहरबानी। अच्छा चलो ठीक है, कब तक आएंगे वो? बस वो आने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जंतर को यही छोड़ जाना। अरे जमीला, जितनी अच्छी तू मेरी बीवी है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी घर पे ही रहूं, 15-16 साल में दवाखाने जाऊं ही ना। और खुदों के लिए चले जाओ यहाँ से, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। क्यों जी, मेरी शक्ल तो बड़ी खूबसूरत है। कभी आईना देखा? कई दफा देखी है, बहुत अच्छी लगती। मेरा शीशा आप ही हो ना? कोई नहीं, जाओ। नहीं वैसे शीशा मेरा आप ही हो, चाहे थोड़ी सी त्रेड़ आई हुई है। अब मैं तो कहती हूँ तू टीवी पे आया कर। वाकई? अब बंदा उठ के बंद तो कर सके। क्या कहा है? अब मैं तो मजाक करेगी, बता कौन सी वीडियो बनाऊँ? अच्छा, ऐसी वीडियो बनाओ, ऐसी वीडियो बनाओ जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। अब आज ही कैसी बातें कर रही हो, मैं वो वीडियो कैसे बना सकती हूँ जो किसी ने भी ना बनाई हो? ओहो, तू मेरी बात का मतलब नहीं समझी। तूने बात की थी, मैं समझा तूने चमल मारी थी। मेरा मतलब है, समझाना बात का मतलब। देख, जो बड़े बड़े डायरेक्टर जो लड़कियों को बनाते हैं ना, मुझे वो बनने। ऐसे कहना बाजी, तुझे पागल नफ्सियाती बनना है। क्या कहा है? जंतर, मेरा मोबाइल पकड़। एक मेरी वीडियो बना। मैं कह रही हूँ चला दे यहाँ से। अजुमक चिचिक शपक्ष 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 शपक्ष। कहाँ थी तुम?
अब मंडोर की जगह पे फंसी हुई थी। कहाँ? अजवेरिया के कमरे में। अच्छा, मुझे लगा कि तुम मामा की मदद कर रही थी। आ क्यों? वो फुफुआरी है ना। आ वो चिड़ियाघर की हथनी। वो के सामने मत कहना। लेकिन हाँ। अच्छा, अब जल्दी से जाओ और जाके मामा की मदद करो। आ किचन में? हाँ। आ कि तू मेरे नेल्स की दुश्मन बनी हुई है। बर्तन नहीं धोने बाबा। आ तो क्या अम्मा को धोना है? जनता आ जाती हूँ जाती हूँ। आ जुम्मा। और ये अपना जुम्मा किच 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 करते मत जाना। आ क्यों? क्योंकि किचन साथ ही है। आ इतनी पाबंदियाँ तो मेरा शोर भी मुझ पे नहीं लगाता। अच्छा जा। आ जुम्मा। अब ना किया ना तुझे? आ ना ठीक है ना ठीक है। चिच चिक ना कर। मैं जा रही हूँ। एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? आई एम मेंटोर। ये कैसा नाम? MENTOR ऐसा मेंटोर। लेकिन तुम कौन हो? अजी मुझे छोड़िए, आप अपना बताइए कि आप कौन हैं? कहीं आप जमीला हाइनस की बड़ी बहन तो नहीं है? जमीला वो तो मुझे जहर लगती है। हैं? तो आप उन्हें क्या लगती हैं? अम्मी भी उन्हें जहर ही लगती हैं। अरे चुप कर कमकल, जो मुंह में आता है बोले चली जाती है। हकीम विशाल मेरे मामू हैं और मैं उनकी भांजी। ओह, ये भांजी तो आप पहले भी मार चुकी हैं। क्या? आई मीन, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप अंदर चलिए, अंदर जाइए ना। पहले सामान तो मंगवा लूं बाहर से। आप परेशान क्यों होती हैं? आप अंदर जाइए, मैं सामान लेकर आपके पीछे पीछे आता हूँ। एहतियात से। वो तो एहतियात कर लेगा, तू भी एहतियात कर, चल। मुझे लगता है कि ये हमेशा के लिए यहाँ पर आ गई हैं। सामान लेके आता हूँ। जंतर, जंतर तुझे देख बनानी आती है? आ ये बता कितने दिन के लिए आ रही है? ये तो मुझे भी हकीम साहब ने नहीं बताया। आ हकीमन दुआ कर, एक ही दिन की मेहमान हो, पिछली दफा 3 दिन में कबाड़ा कर दिया। आ अम्मा क्या हुआ? लगता है कोई कम वक्त मुंह भर भर के चुगलियां कर रहे हैं मेरी। क्या? जुबान दांतों के तले आ गई। अब मुंह से बाहर आने की कोशिश में आ गई होगी। क्या क्या बकवास कर रही तू? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं रहने दे चाय। अम्मा को एसिडिटी हो जाती है। अच्छा ऐसा कर, जा फ्रेश जूस ले आ और थोड़ा ज्यादा लाइयो। और कितना ज्यादा? 2-3 जग तो लाएगी ना। आ क्या खाना पीना छोड़ा हुआ है क्या? आए बस तबीयत नहीं ठीक रहती। आजकल डाइटिंग पे है ना, अल्लाह शुक्र है सामान नहीं नजर आ रहा। चल। I'm coming, highness। ये क्या है? ये सामान है इन दोनों का। इतना ज्यादा? Yes, highness। वो भाई के घर आई हूँ, 2-3 माह रुक के ही जाऊंगी ना। नहीं, पूरे 2 महीने? अम्मी, this is too much। हम जंतर और मेंटोर से ना मशवरा करते हैं। जंतर, मेंटोर। क्या हुक्म है हमारी आकीज? पप्पू और मुन्नी पूरे 2 महीने के लिए आए हैं। और 2 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। तुम दोनों समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे हैं आइनेस। 2 महीने में पूरे 60 दिन होते हैं। तो क्या करें? मैं ना आए काम करती हूँ, इनके सामने जाके जुम्मा करती हूँ और मुझे देख के डर के भाग जाएंगे। नहीं। अब अगर क्यों? क्योंकि अब्बा को पता चल जाएगा और अगले हफ्ते मेरी बहन भी आने वाली है। है? तो फिर कुछ और सोचो। जुम्मा। ओह नहीं नहीं नहीं, गायब नहीं होना। आइए, गायब होने वाला जुम्मा के चिच्चिक नहीं है मेरी आकी। तो आइए, मंडोर के दिमाग में आइडिया लाने वाला जुम्मा के चिच्चिक है। आ गया। क्या क्या क्या? आइडिया आ गया। तो बताओ। आइडिया बहुत सिंपल है। देखिए, जैनी और जवेरिया खाना बनाना नहीं जानती। हाँ तो? और मैं और जंतर भी खाना नहीं बनाएंगे। ये आइडिया है या इन्फॉर्मेशन? हाइनेस, इन्फॉर्मेशन ही आइडिया है। बोलना। वेरी सिंपल, अगर जमीला हाइनेस भी खाना पकाना भूल जाए तो? तो? अरे भूल गया जंतर, डू यू रिमेम्बर साथ वाली नादिया के साथ क्या हुआ था? वो सीढ़ियों से गिरी थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। हाय हाय, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरूंगी भाई, चोट लग जाएगी। मामा, सीढ़ियों से गिरेंगी तो चोट लगेगी ना। क्या? हाँ। मैं होश में था तो फिर
उस पे मर गया कैसे। तू क्या कभी भी बिना बताए खामखा में आ जाता है? क्या हुआ हकीम, कोई वारदात करनी थी क्या? नहीं नहीं, कोई मरीज देख लेता तो। कहाँ है मरीज? आने वाला है। तुझे कैसे पता? सीन में लिखा हुआ भाई। सीन में तो ये भी लिखा हुआ है कि तेरे जाने के बाद मरीज की एंट्री होगी। है? वो कैसे? मतलब छोड़, घर जा, तेरी बीवी की याददाश्त चली गई है, वो मुझे हकीम समझ रही है। वो ना मैं घर दो, मुझे दंतर समझना शुरू कर दे। चल जा, घर पहुंच। ठीक है ठीक है, निकल जा निकल जा। हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। ये हकीम साहब को क्या हुआ? उनका सीन खत्म हो गया। तो अब दवाई कौन देगा? जो पैसे लेगा। मतलब तुम दोगे दवाई? ना चल, बीमारी बता। मेरे दांत में कीड़ा है। ला 100 रुपए दे। आइए ला। चल जा, 6 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं। और फिर? और जब तू 6 दिन तक कुछ नहीं खाएगा तेरा कीड़ा मर जाएगा। पर दुआ तो दो। जब कीड़ा ही मर जाएगा तो दवा की क्या जरूरत है? बात तो तेरी ठीक है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तेरे कीड़े पड़ने वाले हैं, दवाई नहीं खा, कुछ नहीं कर, सिर्फ खाली पेट रहे। चल जा। आजा, आजा, आ। आए, 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 मैं कहाँ हूँ? आप 5-स्टार होटल में हैं, आप अपने घर में हैं। मैं कौन हूँ? 1000 दफा बता चुकी हूँ, तुम जमीला हो। जमीला, और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है? अच्छा हो विशाल भाई आप आ गए, देखे तो सही जमीला को क्या हो गया। वो मनी की यादाश्त चली गई है। ये कौन है? मैं कौन हूँ? वो मैं आपका शोहर नामदार हूँ। शोहर? वो क्या होता है? वो वही होता है जो सब कुछ होते हुए भी टके का नहीं होता। क्या? ओहो, मैं विशाल हूँ। भाई इसे जल्दी से होश में लाए, मामू जान खाने का वक्त होने वाला है। तो ये क्या खाना भी भूल गई है? ये खाना पकाना भूल गई। ओहो, तो अभी याद करा दो ना। जमीला खाना पका दो। अरे हकीम साहब, ये खाना पकाने का तरीका भूल गई है। ओहो, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पका? जी भाई जान। वो बात सुनो, वो जैनी और जवेरिया कहाँ है? वो इसकी याददाश्त का फायदा उठा रही हैं। जैनी अमलियात में जुड़ी हैं और जवेरिया वीडियो बनाने में। लेकिन जवेरिया और जैनी को खाना बनाना भी तो नहीं आता ना। अब क्या करना है? अब जो भी करना है आप दोनों ने ही करना है। हाँ। इस कमबख्त की याददाश्त भी आज ही जानी थी, सोचा था 4 दिन सुकून से गुजारूंगी। बिल्किस उधर से रह गया। क्या, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी? हाँ याददाश्त गई है, बिसारत तो नहीं गई ना, साफ नजर आ रहा है वहाँ पे रह गया कूड़ा। लेकिन तुमने मेरा नाम कैसे लिया? तुम खुद ही तो बार बार बता रही थी कि तुम बिल्किस हो। तुम्हें मेरा नाम कैसे याद है? तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी। मैं कौन हूँ? क्या हो रहा है मुझे? कहाँ हूँ मैं? इसका नाटक तो आज मैं विशाल के सामने खोल के ही रहूंगी। याददाश्त चली गई इसकी। हाइनेस जल्दी से बिस्किट लीजिए, एक और बिस्किट लीजिए, जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। 1, 2, 3 एक्शन। एक बिस्किट की कीमत तुम क्या जानो हलवाई बाबू। ये बिस्किट मैं खा लूं? अरे यार बीच में नहीं बोलना था। आगे तुम्हारी वजह से फर्टिलिटी टेस्ट हो चुकी हैं। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन 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 सब बाद में, पहले वीडियो। आर यू रेडी अगेन? यस। एक्शन। एक बिस्कुट की कीमत तुम क्या जानो मुन्नी। ये हलवा मेरे मुकद्दर की मानत है, इसको खाएगी तो तू भस्म हो जाएगी।
मजा आ गया आज तो वाकई। जी भाईजान, उसने मेरा नाम लिया है। ओहो, यानी इसका मतलब ये है कि जमीला की याददाश्त कहीं नहीं। जी हाँ। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हुआ मेरी जान? जवेरिया ने मेरे सामने सारे बिस्किट खा लिए। क्या? और जैनी ने मुझे हलवे का एक चम्मच भी नहीं खाने दिया। कुछ करे भाईजान, इस तरह तो मेरी नन्नी सी मुन्नी कमजोर हो जाएगी। ओहो, आप लोग फिक्र ना करो, मेरे पास इसका हल है। वो क्या? और जमीला के पैसे जो उसने सोने के सेट के लिए छुपा के रखे हुए। हम उन पैसों से ढेर सारा खाना मंगवाएंगे। भाईजान, कहाँ है वो पैसे? अरे वो तो मुझे जमीला से पूछना पड़ेगा ना। क्या? क्या वो हमें बता देंगी? कभी भी नहीं। तो फिर? फिर क्या, पैसे जाने के डर से उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो फिर हमें खाना भी मिलेगा। और राज्य के इतना इतना टेरो जमीला। जमीला, जमीला आजा। जमीला, जमीला, ओ जमीला। कौन जमीला? किसे आवाजें दे रहे हो? मैं एक जाहिल औरत को आवाजें दे रहा हूँ। तो बुलाते जाएं। जमीला, जल्दी से बताओ तुम्हारा बैग कहाँ है? मेरा बैग? कौन सा बैग? मैं कौन हूँ? ओहो, अब अपना ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से बताओ कि बैग कहाँ है। मैं उसमें से पैसे निकालूंगा और सबके लिए 5-star होटल से खाना मंगवाऊंगा। मुझे लगता है अब जमीला की याददाश्त वापस नहीं आने वाली। और मुझे भूखा नहीं मरना मामू जान। विशाल भाई, आप हमारी टिकटें करवा दें, हम अभी वापस जाएंगे। तुम वापस जा रही हो? हाँ। मंटोर, मंटोर। यस। जल्दी से रेलवे स्टेशन जाओ, बल्कीस और मुन्नी की वापसी की टिकटें लेकर आओ। ओके हाइनेस, मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा, तो इसका मतलब है तुमने ये सारा ड्रामा किया था। और हमने भी ड्रामा किया था। क्या? मैं मंटोर को अभी मना करके आती हूँ। अम्मी आप भी ना। मैं क्या करती, बात इतनी खुशी की थी। चलो चल के खाना बनाओ। ये कैसी आवाज़ थी? तो लगता है कोई बिल्डिंग गिर गई है। लगता है यहाँ पर कोई टैंकर उलट गया है। लगता है कोई बम फट गया है। और क्या हुआ है? पाव फिसल गया। किसका? बिल्कीस का। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? ये हमारी जान को अजाब डाल गई। इसने अजाब कैसा? मुझे एक बात बताओ, कोर्ट की कचहरी किसी अजाब से कम है क्या? हकीम, मैं तो कहती हूँ इस केस को बंद कर दे, बल्कि किसी दाई को दे दे। हैं? ऐसे कैसे बंद कर दे? कुछ करो। कोई हल तो होगा। घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। लो, यहाँ मुझे 2 करोड़ की टेंशन लगी है और इसको पराठे बनाने की पड़ी है।